प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। कन्वर्सेशन की कड़ी में आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस देखेंगे और उसका क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको हर टेंस सही तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous tense, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। एक वाक्य लेते हैं, गीता दो घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी। इस टेंस का पहचान चिन्ह है रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द। तो ये दोनों चीज में है। इसका अंग्रेजी बनाने का नियम जो है क्या है बतलाइए। एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस प्लस टाइम, इसका इंग्लिश बनाने का रूल है। चलिए आगे लिखने से पहले एक आग्रह होगा आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और नए बच्चों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। लिखते हैं इंग्लिश इसका, गीता had been learning English for 2 hours. 2 hours period of time है, इसलिए इसमें for का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस आपको सिंस का भी प्रयोग करके आगे बतला देंगे। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है, क्या गीता 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी। केवल हैड आगे आ जाएगा, हैड गीता बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है, अब हम जैसा कि हर टेंस में आगे का प्रश्न बनाने के लिए शब्द को जोड़ते आए हैं, वो शब्द पुनः हम इस सेंटेंस में जोड़ेंगे। वाई, वेयर, हाउ, विथ हुम। वाई का प्रयोग करते हैं, गीता क्यों 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी। इंग्लिश इसका हो गया, वाई हैड गीता, वाई के बाद ये पूरा सेंटेंस उतार देना है, वाई हैड गीता बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours।
टू आवर्स. अब इस यदि आपको इस तरह का प्रश्न कोई पूछता है तो इसका उत्तर क्या आप देंगे? इसका उत्तर होगा गीता अंग्रेजी बोलचाल के लिए 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी. गीता अंग्रेजी बोलचाल के लिए 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी. इंग्लिश इसका क्या हो गया? गीता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर स्पोकन बोलचाल. इंग्लिश भी लिख सकते हैं इसमें फॉर स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, हेड का वाई का प्रयोग किए. अब इसको मिटाते हैं और इसमें दूसरे शब्द का प्रयोग करके पुनः क्वेश्चन और आंसर लिखते हैं. पिछला वीडियो भी रिवीजन वर्क करते रहिए. एक बार देख लेने से या एक बार याद कर लेने से वो पूरा दिन के लिए हमेशा के लिए रहता नहीं है, इसलिए आपको हर 15 दिन 20 दिन पर रिवीजन वर्क करते रहना होगा जिससे आपके दिमाग में वो अस्थायी रूप से बन जाए. चलिए अब हम इस सेंटेंस के साथ में हाउ का प्रयोग करते हैं. हाउ मीन्स कैसे. गीता कैसे 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी. कैसे का हाउ होता है तो हाउ हैड गीता बिन लर्निंग इंग्लिश. वह कैसे सीख रही थी तो मन लगाकर सीख रही थी. मन लगा कर का क्या होता है? विथ हार्ट. आंसर इसका क्या लिखेंगे? गीता मन लगाकर 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी. इसका इंग्लिश क्या हो गया? गीता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स विथ हार्ट. विथ हार्ट मतलब पूरे मन से. ठीक है, अब हम प्रयोग करेंगे कहाँ का. कहाँ शब्द का प्रयोग करके हम इंग्लिश लिखेंगे. गीता
कहाँ दो घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी, कहाँ का इंग्लिश क्या हो गया, वेयर हैड गीता बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, वह कहाँ सीख रही थी, तो विद्यालय में, कोचिंग में, गुरुकुलम में, हम यहाँ लिखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आंसर में, गीता गुरुकुलम में 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी, गीता गुरुकुलम में 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी, गीता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर टू आवर्स इन गुरुकुलम। थोड़ा मेहनत करना होगा, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, बगैर मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मेहनत बहुत जरूरी है। लास्ट वर्ड है विथ होम, किसके साथ, लिखते हैं क्वेश्चन, गीता किसके साथ 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी, इंग्लिश क्या हो जाएगा, विथ होम हैड गीता बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। ठीक है, अब हम यहाँ आंसर में लिखेंगे, गीता मित्रों के साथ 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी, आंसर लिखिए, गीता मित्रों के साथ 2 घंटों से अंग्रेजी सीख रही थी। ठीक है, इसका इंग्लिश लिख लीजिए, गीता हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours विथ फ्रेंड्स। इस तरह से एक वाक्य कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं जिसमें सिंस का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, जैसे सोमवार से, 10 बजे से, दोपहर से, तो इसमें जो है सिंस का प्रयोग होगा। तो अब हम सिंस का लेंगे, चलिए मिटाते हैं।
एक सेंटेंस लेते हैं। कमल सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था। यहां पर रहा था रही थी हो गया और सोमवार हो गया। यह भी जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसका इंग्लिश लिखिए। कमल हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। अब इसमें क्वेश्चन लिखना है, क्या कमल सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था। इसका क्वेश्चन बनाया कैसे, हैड को पहले करना है। हैड कमल बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब इसका आंसर में क्या होगा, यस नो। अब इस वाक्य के साथ हम चार शब्द का प्रयोग करेंगे, व्हाई हाउ वेयर विथ होम। व्हाई का प्रयोग करते हैं, कमल क्वेश्चन बनाते हैं, कमल क्यों सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था। Why? अब पूरा यह सेंटेंस उतर जाएगा, क्या वाला, क्या कमल वाला यह सेंटेंस उतर जाएगा। Why had कमल been learning English since Monday? यही चीज हो गया। अब क्यों सीख रहा था सोमवार से इंग्लिश, टू टेक ए पार्ट इन इंग्लिश कंपटीशन। आंसर इसमें लिखेंगे, कमल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था। कमल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था। अब हम इसका इंग्लिश लिखते हैं, कमल हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस
मंडे, टू टेक अपार्ट, इन कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब जो है हम वेयर का प्रयोग करेंगे, कमल कहाँ सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था, कहाँ सीख रहा था। आप बार बार इस तरह का शब्द प्रयोग करके, सेंटेंस प्रयोग करके बोर नहीं होइए। एक ही तरह का सेंटेंस इसलिए प्रयोग किया जा रहा है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको इससे लगाव ज़्यादा हो, याद हो जाए। और हाँ, आपको ध्यान रखना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और जिससे हम आपको और भी वीडियो बना कर देंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, कमल कहाँ से, कहाँ सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था, इसका इंग्लिश क्या हो गया, वेयर हैड कमल बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, कहाँ सीख रहा था। तो चलिए फिर लिखते हैं, गुरुकुलम में सीख रहा था, कमल गुरुकुलम में सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा है, सीख रहा था। इसको मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं, कमल गुरुकुलम में, कमल गुरुकुलम में सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था, इंग्लिश क्या होगा, कमल हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे इन गुरुकुलम, समझ गए। अब लास्ट जो वर्ड है विथ होम का प्रयोग करते हैं, हिंदी लिखते हैं, कमल किसके साथ सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था, विथ होम हैड कमल बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे,
आंसर क्या होगा? अपने भाई के साथ, कमल अपने भाई के साथ सोमवार से अंग्रेजी सीख रहा था। इंग्लिश क्या हुआ? कमल हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे विथ हिज ब्रदर। इस तरह से जब आप प्रयास करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बहुत जल्द जो है इंग्लिश स्पोकन का नॉलेज हो जाएगा। थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।